ताजा खबरों का। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में घुसा संदिग्ध शख्स, सुरक्षा बलों ने मारी गोली। गाजियाबाद में एयरफोर्स में हिंडन एयरबेस में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। मंगलवार रात एयरबेस में एक संदिग्ध शख्स घुस गया। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वह नहीं रुका, जिसके बाद मजबूर होकर सुरक्षा बलों ने उसे गोली मार दी। सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई गोली संदिग्ध के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदिग्ध शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उसका नाम सुजीत है। करणी सेना का विरोध जारी, कार्यकर्ताओं ने कोटा थिएटर में मचाया उपद्रव। श्री राजपूत करणी सेना के करीब 50 कार्यकर्ताओं ने कोटा के एक सिनेमा हॉल में संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पद्मावती के टीजर की स्क्रीनिंग का विरोध करते हुए उपद्रव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। खुदरा महंगाई दर 3.58% पर पहुंची, सब्जियां हुई महंगी। देश एक बार फिर महंगाई की मार से त्रस्त है। खाने पीने की चीजें और सब्जियों के भाव में तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 3.58% पर पहुंच गई, जो 7 महीने में सबसे ज्यादा है। इस साल मार्च में 3.89% के बाद खुदरा महंगाई दर का यह उच्चतम स्तर है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI आधारित महंगाई दर सितंबर में 3.28% थी। नेपाल ने दिया ड्रैगन को झटका, चीनी कंपनी के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट डील की रद्द। चीन की नेपाल को अपनी तरफ करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। नेपाल सरकार ने बूढ़ी गंडकी नदी पर बनाए जा रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चीनी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भारतीय कंपनी को मिल सकता है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।